उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान के शुभारंभ पर मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और विदेशों में भी इसे अपनाया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, राज्य में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है और इसे बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बच्चों के टीकाकरण के मुद्दे पर भी उन्होंने जानकारी दी कि 15 से 17 साल के 65 लाख से ज्यादा युवाओं को वैक्सीन दी जा चुकी है और अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन को न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा की है बल्कि सर्वत्र भारत के कोरोना मॉडल को लोगों ने अपनाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने इस समय 29,54,00,000 से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज प्रदेश के अंदर जो लगनी थी उनमें हम लोग 100% क्रॉस कर चुके हैं, यानी 103% से ऊपर हम लोगों ने वैक्सीन की डोजेज, फर्स्ट डोजेज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई हैं। सेकेंड डोजेज भी प्रदेश के अंदर 82% से अधिक लोगों ने ले ली है। प्रिकॉशन डोजेज जो हेल्थ वर्कर्स के लिए थी, कोरोना वॉरियर्स के लिए थी, सीनियर सिटीजन्स के लिए थी जो कोमॉर्बिड हैं, उसमें 97% लोगों को भी प्रिकॉशन डोजेस हम लोग उपलब्ध करवा चुके हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने की, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए जो वैक्सीन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,29,22,000 से अधिक, यानी यह 92% से अधिक है यूथ को, 15 से 17 आयु वर्ग के यूथ को हम वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं और इसमें सेकेंड डोजेस भी 65,50,000 यूथ सेकेंड डोज भी ले चुका है, जो लगभग 47% है। आज कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है, यह कोवैक्सीन है, और प्रदेश के अंदर 300 केंद्रों में यह वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 84,64,000 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं, इन सभी के लिए पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास है और मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हैं। अभी इसका शुभारंभ हुआ है, थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित है। एक्टिव केसेस यूपी में वर्तमान में मात्र 1,000 के आसपास हैं। विशेषज्ञों की आशंका है कि फोर्थ वेव भी आ सकती है, उसके लिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर हम जाएं,
मास्क को जरूर पहने, किसी वस्तु को छूते हैं तो हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें, वैक्सीन समय पर ले लें। कोरोना महामारी वर्तमान में नियंत्रण में है और मेरा विश्वास है कि 12 से 14 आयु वर्ग के हमारे सभी जो 84,64,000 से अधिक बच्चे हैं, इन सभी को हम लोग समयबद्ध ढंग से कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध करवा करके एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन का ड्राइव चलने और कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।